Hello everybody, this video is the part of foundation series which we are running on our YouTube channel for CAB examination. Particularly this video pertains to the ABM component of CAB exam, that is advanced bank management. Okay, अभी तक हमने इस particular foundation series में module D जो है वो cover कर लिया है. Okay, this module is done. अभी हम focus कर रहे हैं module A पे. Fine. और मॉड्यूल ए के अंदर भी हमने यूनिट नंबर 1 टिल यूनिट नंबर 4 जो है वो कवर कर लिया है. नाउ आई होप कि आपको चीज़ें जो हैं वो थोड़ी समझ में आ रही होंगी, स्पेशली फॉर मॉड्यूल ए, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन से मॉड्यूल इफ़ यू टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल्स. और न्यूमेरिकल्स में क्या रहता है कि आपके पास अगर एक बारी कॉन्सेप्ट समझ लिया, फार्मूलाज देख लिए, तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं. फाइन, यही हमारा मोटिव है थ्रू दिस फाउंडेशन सीरीज. तो अगर अभी तक आपने कोई भी कोर्स एनरोल नहीं किया है एंड यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी फॉर दी 24th November एग्ज़ाम, ओके, देन आई वुड सजेस्ट दैट कंटिन्यू डूइंग दैट इफ़ यू आर फीलिंग दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक. इफ़ नॉट, देन वी हैव कम अप विद द कैब 2024 मास्टर कोर्स टू हेल्प यू आउट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. वाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस कोर्स बिकॉज वी हैव कॉम्प्रीहेंसिवली कवर्ड ऑल द 4 कॉम्पोनेंट्स ऑफ कैब एग्जाम, दैट इज़ ए बी एम, बी एफ एम, ए बी एफ एम एंड बी आर बी एल. ओके, कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज मिलने वाली है थ्रू 20+ लाइव क्लासेज विच विल बी कमेंसिंग फ्रॉम द 2nd week of November. 400+ कॉन्सेप्ट क्लासेज जो वीडियोज़ होती हैं आपके लेक्चर की वो यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, एंड 150+ चैप्टर वाइज टेस्ट एंड 20 फुल लेंथ मॉक्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, सो दैट आप अपनी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उसको जज कर पाएँ खुद से. ओके, सेल्फ जजमेंट भी ज़रूरी होती है ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए. अलॉन्ग विद दैट जो प्रैक्टिस है वो भी आप इनके थ्रू ईजिली कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं वो भी काफ़ी डिटेल्ड हैं. एंड यू विल फाइंड कि अगर आपने चैप्टर वाइज टेस्ट कर लिए अच्छे से आफ्टर वॉचिंग द वीडियोज, देन यू आर गुड टू गो एंड यू कैन ईजिली क्रैक दिस एग्जाम. फाइन, करंटली वी आर रनिंग वेरियस डिस्काउंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स, सो डू चेक इट आउट ऑन द वेबसाइट एंड एनरोल इन द कोर्स इफ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल. ओके, आज के टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ टाइम सीरीज एनालिसिस वर्सेज फोरकास्टिंग. सबसे पहले जो आपका चैप्टर है, दैट इज़ चैप्टर नंबर और यू कैन से यूनिट नंबर 5, दिस परटेन्स टू टाइम सीरीज. ओके, टाइम सीरीज के बारे में बात होती है. अब टाइम सीरीज होता क्या है एंड वाई इट इज़ रेलिवेंट फॉर अस, वो हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, बिकॉज रेलिवेंस एस्टेब्लिश करेंगे उसके बाद ही चीज़ें जो हैं उसको अच्छे से कॉम्प्रीहेंड हम कर पाएंगे. टाइम सीरीज हमारे बैंक में कहाँ पे काम आता है? सबसे पहला तो आपकी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो, उसका जो डेटा आता है वो यहाँ से निकल के आता है टाइम सीरीज से ही, बिकॉज वी आर फॉलोइंग वन ऑफ द ट्रेंड. ओके, कौन से ट्रेंड होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेंड वी विल सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ओनली. फाइन, सेकेंड जो है एप्लीकेशन आपके बैंक के लिए कहाँ पे है, वो है आपके पास मार्केट स्टडी के लिए. फाइन, मार्केट स्टडी. अब ऐसा तो है नहीं कि हमने अपने बैंक का ही देखना है डेटा, हमको बाकी मार्केट का भी पता होना चाहिए. मार्केट ट्रेंड अगर हमें पता होगा तो हम बेटर गुड्स जो हैं या बेटर सर्विसेज जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कर पाएंगे मार्केट में एंड कॉम्पिटिटिवनेस को रख पाएंगे अपने पर्टिकुलर बैंक के लिए. फाइन, और थर्डली और कहाँ पर यूज़ होता है आपका टाइम सीरीज का जो भी कॉन्सेप्ट है, इट इज़ यूज्ड इन द इंडियन इकोनॉमी एज अ होल. फाइन, इंडियन इकोनॉमी एज अ होल, बिजनेस साइकिल्स जो हैं या फिर आप बोल लो कि मॉनेटरी पॉलिसीज जो हम फ्रेम करते हैं उसके लिए जो डेटा होता है इन्फ्लेशन का, वो भी हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं या कहाँ से उसको जज करते हैं, कहाँ से हम उसको मेजर करते हैं, वी यूज़ द सिंपल पैरामीटर दैट इज़ टाइम सीरीज. ओके, तो थ्री मेजर कॉम्पोनेंट्स या पैरामीटर्स हैं जिन की वजह से हमारे लिए रेलिवेंस जो है टाइम सीरीज़ का बढ़ जाता है बीइंग अ बैंकर. फाइन, अब डेफिनेशन देख लेते हैं, टाइम सीरीज़ होती क्या है. अ टाइम सीरीज इज़ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस कलेक्टेड एट सक्सेसिव पॉइंट्स इन टाइम और ओवर सक्सेसिव पीरियड्स. ओके, टाइम सीरीज़ में आप दो तरह के डेटा पढ़ते हो. सबसे पहला तो एक टाइम होगा, टाइम फ्रेम होगा, बेसिकली टाइम फ्रेम, सपोजिंगली 2014 टिल 2024. ओके, कोई एक डेटा है, मान लो आपका इकोनॉमी से रिलेटेड ही हम डेटा ले लेते हैं कि नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस विच वर ओपन बिटवीन 2014 टिल 2024. इसको कैसे हम स्टडी करेंगे? यूजिंग स्टेटिस्टिक्स, बट स्टेटिस्टिक्स की कौन सी पर्टिकुलर ब्रांच, दैट इज टाइम सीरीज. फाइन, तो ये तो हो गया आपके पास सक्सेसिव टाइम पीरियड के लिए. और सक्सेसिव पॉइंट्स इन टाइम का मतलब क्या है? एक टाइम स्टैम्प.
फाइन, टाइम स्टैम्प कैसे? सपोजिंगली मुझे एक डेटा जो है वो रिट्रीव करना है फॉर द ईयर ऑफ 2002. ओके, 2002 का मुझे रिट्रीव करना है फॉर द मंथ ऑफ लेट से मार्च. फाइन, तो ये जो भी आपका एक पॉइंट है इन इस पर्टिकुलर टाइम सीरीज में, मार्च 2002, ये भी आप कहाँ से पढ़ते हैं या फिर कहाँ से एनालाइज करते हैं यूजिंग द टाइम सीरीज एनालिसिस. फाइन, अब टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होती है? इट एम्स टू एनालाइज एंड समराइज द एग्जिस्टिंग टाइम सीरीज डेटा टू स्टडी पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स. ओके, बेसिकली जो एनालिसिस है टाइम सीरीज की, वो क्या कर रही है? आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग टाइम सीरीज का डेटा है, सपोजिंगली अभी हम 24 में हैं, तो 2024 का जो भी डेटा है अभी आपके पास, लेट्स से स्टॉक मार्केट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो एक पर्टिकुलर एक्स वाई जी ग्रुप है, फाइन, उनका जो डेटा है वो कितना, और फॉर दैट मैटर उनका जो स्टॉक मार्केट है वो कितना बुलिश है या फिर कितना बियरिश है, ये हमें स्टडी करना है. फाइन, दिस विल बी स्टडीड यूजिंग योर टाइम सीरीज एनालिसिस. फाइन, इट एम्स टू एनालाइज एंड समराइज द एग्जिस्टिंग टाइम सीरीज डेटा टू स्टडी द पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स. तो ये बियरिश या बुलिश जो है, ये हम जो पढ़ रहे हैं या फिर इनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर जस्ट ट्रेंड्स और पैटर्न्स. फाइन, इनको स्टडी करके, इनको ऑब्जर्व करके वी आर फॉर्मिंग अ टाइम सीरीज, एंड दैट पर्टिकुलर स्टडी ऑफ यू नो एनालाइजिंग दिस टाइम सीरीज इज नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस. टाइम सीरीज फोरकास्टिंग क्या होता है? दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यहाँ से पूछा जा सकता है, बिकॉज देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज फोरकास्टिंग इन आर सिलेबस. इट बेसिकली एम्स टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड्स और वैल्यूज बेस्ड ऑन द ओल्ड डेटा पॉइंट्स और क्लस्टरिंग देम इन टू ग्रुप्स. तो इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अगर एक एक्स वाई जी ग्रुप का स्टॉक है, लेट्स से वो बुलिश है अभी के लिए, एट प्रेजेंट वी आर सीइंग कि जो पास्ट ट्रेंड्स है ना, उसके बेसिस पे इनका जो स्टॉक वैल्यू है, वैल्यूएशन जो है वो बढ़ रहा है. फाइन, तो हम क्या बोल देते हैं, इट इज़ बुलिश इन नेचर. फाइन, अगर मुझे ये इस पर्टिकुलर ट्रेंड को स्टडी करते हुए ये प्रिडिक्ट करना है कि फ्यूचर में कितना होगा, 2026 के डेटा की अगर हम बात करें, वैसे तो शॉर्ट टर्म में ही प्रिडिक्शन होती है स्टॉक मार्केट में, बट लेट्स से जस्ट अज्यूम कि टू इयर्स फ्रॉम नाउ कितना ज़्यादा ये बियरिश होगा या बुलिश होगा, इस पर्टिकुलर फ्यूचर ट्रेंड को स्टडी करने के लिए जो भी टेक्निक मैं यूज़ करूँगा, दैट टेक्निक विल बी नोन एज टाइम सीरीज फोरकास्टिंग. ओके, तो ये डिफरेंस है इन दोनों का, टाइम सीरीज एनालिसिस का एंड फोरकास्टिंग का. एनालिसिस इज डन फॉर योर प्रेजेंट ट्रेंड यूजिंग दी पास्ट ट्रेंड. ओके, प्रेजेंट ट्रेंड को आप स्टडी भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रिडिक्ट ही करते जा रहे हैं, आप प्रेजेंट ट्रेंड को स्टडी भी करते हैं यूजिंग टाइम सीरीज एनालिसिस. बट टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में क्या हो रहा है, यू टेंड टू फोरकास्ट, यू टेंड टू प्रिडिक्ट, यू आर प्रिडिक्टिंग समथिंग. ओके, अगर आप प्रिडिक्ट करेंगे देन वी विल से कि किसके बारे में बात हो रही है, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के बारे में. अब देख लेते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ वेरिएशंस इन टाइम सीरीज. अब ऐसा तो नहीं है कि एक जो टाइम सीरीज हमने पढ़ ली वो सभी के सभी जितने भी आपके मार्केट में ट्रेंड्स हैं या फिर मार्केट में जितने भी आपके पास इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे एप्लीकेबल होगी. वेरियस टाइम सीरीज विल बी एप्लीकेबल इन वेरियस सिनेरियोस और वेरियस केसेस. तो सबसे पहला जो सबसे मेजर ट्रेंड हम देखते हैं टाइम सीरीज में, दैट इज सेक्युलर ट्रेंड विच चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. फाइन, टाइम लगाते हैं ये सेकुलर ट्रेंड वाले जो टाइम सीरीज है, इसमें टाइम लगता है, और नॉर्मली हम जो टाइम लेते हैं दैट इज़ ग्रेटर देन वन ईयर. फाइन, वन ईयर से ज़्यादा का जो ट्रेंड एनालिसिस हम करते हैं दैट इज़ डन यूजिंग योर सेक्युलर ट्रेंड. साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, बेसिकली सेक्युलर ट्रेंड भी हो सकता है एक साइक्लिकल फ्लक्चुएशन. फाइन, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास साइक्लिकल फ्लक्चुएशन एक अलग ही कोई टाइम सीरीज है, नो, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड. बट हाँ, सिंस हमारे मैक्सिमम जो ट्रेंड एनालिसिस या टाइम सीरीज है दैट इज़ साइक्लिकल इन नेचर, इसीलिए एक अलग से हमने टाइप रखा है यहाँ पे, दैट इज साइक्लिकल फ्लक्चुएशन. एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, योर बिजनेस साइकिल विच हैज़ इरेगुलर पैटर्न. यू नो कि बिजनेस साइकिल कैसी होती है, इट्स लाइक दिस ओनली. फाइन, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द पैटर्न इन अ लॉन्ग रन, शॉर्ट टर्म में हम इसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे. फिर आते हैं सीजनल वेरिएशन पे, कि कुछ ऐसे ट्रेंड एनालिसिस या फिर कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो कि अपना पैटर्न चेंज करते हैं विद इन वन ईयर. तो लेस देन और इक्वल टू वन ईयर का अगर हम टाइम ले रहे हैं, एक टाइम स्टैम्प ले रहे हैं, देन वी विल से कि ये है सीजनल वेरिएशन. फिर जो लास्ट है दैट इज़ इरेगुलर वेरिएशन. यहाँ पे पैटर्न चेंजेस रैंडमली, यू
आर अनेबल टू गैस, ओके, गैस चाहे कर भी लो बट आप प्रिडिक्शन जो है अपनी वो पिन पॉइंट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट से कि दिस इज गोइंग टू बी द ट्रेंड, कि जो सपोजिंगली अगर इंक्रीज कर रहा है आपका ट्रेंड तो वो इंक्रीज ही करता रहेगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो डिप जो है वो फॉरएवर रहेगा. नो, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट. तो पैटर्न चेंजेस रैंडमली, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्टॉक मार्केट है, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस मार्केट फैक्टर्स, फाइन, दैट इज वाई वी से कि इरेगुलर वेरिएशन इज यू कैन से द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इरेगुलर वेरिएशन इज स्टडिंग द स्टॉक मार्केट और द स्टॉक इंडेक्सेस, फाइन. तो अभी के लिए हम ट्रेंड, दैट इज सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशन और इरेगुलर पैटर्न को समझ चुके हैं. अब देखते हैं थोड़ा सा इनका एग्जाम्पल क्या क्या है. ट्रेंड, दैट इज सेक्युलर ट्रेंड का जो एग्जाम्पल है, दैट इज ग्रोथ इन सेल्स ओवर टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सेल्स की जितनी ग्रोथ हो रही है, और अब पर्टिकुलर ट्रेंड इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड, फाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्युलर ट्रेंड. ग्राफ भी अगर आप देखते जाएं तो थोड़ा सा विजुअलाइज करने के साथ साथ क्या रहेगा कि चीज़ें ईजी लगेंगी आपको याद करने में. तो अगर लीनियर ग्राफ आ रहा है देन वी विल से कि सेक्युलर ट्रेंड की बात हो रही है. सीजनैलिटी या फिर सीजनल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ग्रोथ ऑफ आइसक्रीम सेल्स एवरी समर, फाइन, वैसे तो विंटर में भी खाते हैं लोग, बट अगेन जो एक जनरल ट्रेंड है दैट इज़ कि आपके पास आइसक्रीम सेल्स जो हैं समर्स में वो बढ़ जाती हैं, फाइन. तो इसको अगर हमें स्टडी करना है देन वी विल से कि ये सीजनल ट्रेंड को हम बेसिकली एनालाइज करेंगे, और इसका जो ग्राफ है इट इज़ मोर और लेस इक्वल टू योर साइक्लिकल वेरिएशन, बिकॉज इसका ही सब टाइप है, फाइन. साइक्लिक वेरिएशन में क्या होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देख लो आप, फाइन, कोई भी पैरामीटर उठा लो इकोनॉमिक ग्रोथ का, चाहे आप जीडीपी से मेजर कर रहे हो उसको, या फिर इन्फ्लेशन उसमें ऐड ऑन कर रहे हो, या फिर मॉनिटरी पॉलिसी को स्टडी कर रहे हो बेसिकली, देन ऑल्सो यू विल से कि आपके पास साइक्लिकल फ्लक्चुएशन है. और इरेगुलर तो प्राइस ऑफ द स्टॉक ओवर टाइम, ये तो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, इरेगुलर ट्रेंड का. और इसका ग्राफ जो है आप देख सकते हैं इट इज़ इरेगुलर, फाइन, सेल और टाइम का ये ग्राफ है. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी मिस हो गई है वो ये है कि जैसे आपने कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में पढ़ा था कि इट स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, फाइन, तो टाइम सीरीज जो है इट इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ योर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, बिकॉज यहाँ पे जो टू वेरिएबल्स को हम स्टडी कर रहे हैं उनमें से वन वेरिएबल इज ऑलवेज टाइम, ओके, एक वेरिएबल जो है वो हमेशा क्या रहेगा, टाइम, ये देख रहे हो आप. तो टाइम विल बी द फिक्स्ड वेरिएबल इन दिस पर्टिकुलर केस, वेन एवर वी स्टडी टाइम सीरीज अनदर वेरिएबल विल चेंज. जब जैसे यहाँ पे तो सारा सेम तो नहीं है, यहाँ पे देखो सेल सेल अगेन सेल और यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट वन वेरिएबल दैट इज टाइम विल रिमेन द कॉन्स्टेंट और इट विल बी द फिक्स्ड वेरिएबल, फाइन. सो दिस वॉज इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक मोर अबाउट द स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दीज वेरिएशंस इन टाइम सीरीज, फाइन. सो इफ यू लाइक द कंटेंट इफ वी विच वी आर प्रोवाइडिंग ऑन आर यूट्यूब चैनल, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट. द चैनल्स नेम इज एडुटैब GIBCIB. द नंबर वेयर यू कैन कंटैक्ट अस टेलीफोनिकली इट इज मैंशनड हेयर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट और यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन ड्रॉप अ मेल टू अस एट hello@edutab.co.in.